हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आए हैं एक कैमरे की अनबॉक्सिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हर एक यूट्यूबर्स के लिए। एंड ये कैमरा बार बार फोकस एंड आउट ऑफ फोकस पे जा रहा है, तो एडजस्ट कर लेना। एनीवेज, तो आज मैं जिस कैमरे की बात कर रहा हूँ वो है लाइक AK-H9R, जो कि मैंने Banggood.com से ऑर्डर किया था। एंड इसको आने के लिए मुझे 2 हफ्ते लग गए थे। एंड इसको मैंने कितने में ख़रीदा है, क्या ख़रीदा, उसके साथ क्या क्या मिला है, और इसका वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी दोनों में आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम आया नदी के बीच में। एंड ये लोकेशन मैंने क्यों चुना, तो पहले तो वो बता देता हूँ, क्योंकि घर पे कोई जगह ही नहीं बची थी जिससे मैं शूट कर सकूँ, तो इसके लिए मैं एक खुली जगह पे आया हूँ। एंड यहाँ पर मैं वाटरप्रूफ भी टेस्ट करके भी आपको दिखा दूंगा कि कैमरा मतलब पानी में डूबा के दिखा दूंगा। चलो देखते हैं अभी क्या। तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं नदी के इस तरफ, तो यहाँ का नज़ारा देख लो। ओके, तो अभी मैं कैमरे को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही अनबॉक्सिंग करेंगे, यहाँ इसके साथ क्या क्या मिला है मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो ये वीडियो पूरी देखना गाइस। एंड थैंक यू मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। एंड लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तो जाके फॉलो करो, वहाँ पर देखो कुछ भी आपके मन में सवाल रहेगा तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये कुछ चार्जर है एंड ये कुछ माउंट मिलेगा, ये जो हेलमेट पे लगता है ये एक माउंट है। एंड ये सब माउंट है जॉन ऑफ के लिए। तो ये है, ये वॉच है, तो इसके पीछे एक पेपर मतलब प्लास्टिक का पेपर था जिसको मैंने निकाला है। तो ये वो इससे मतलब दबाएंगे तो वीडियो स्टार्ट होगा, और इसको दबाएंगे तो फोटो। तो और ये सब है, और ये इसके साथ एक केस है, ये केस है, इसके अंदर कैमरा ये वाला AK-H9R। तो ये एक ये केस है, तो मैं इसको ऑन करके देखता हूँ एंड इससे जो रिकॉर्डिंग है आपको सुनाता हूँ। तो इसको दबाने से आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर हो जाएगा। एंड मैं कोई टेक्निकल चैनल है नहीं कि मैं आपको पूरी बटन ये क्या है वो सब बताऊँ। एंड इसमें मैंने अपना 32 GB का मेमोरी कार्ड डाला है। एंड ये पूरा कैमरा का जो प्लास्टिक है इसको मैं निकाल देता हूँ ये, और ये रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा कैमरा ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं इससे रिकॉर्डिंग करूँगा एंड आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर 1080 60 FPS पे मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है पहले से, तो मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। इसमें जो फुटेज लिया है तो अभी मैं इसमें बात करता हूँ। हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आई एम टेस्टिंग AK-H9R, विच इज़ माई न्यू कैमरा, आई मीन न्यू एक्शन कैमरा। एंड राइट नाउ आई एम शूटिंग विथ माई कैनन 700D। तो क्लैरिटी, आवाज़ जो भी है सब इसी से आ रही है, मतलब वीडियो क्लैरिटी ऑडियो क्लैरिटी जो भी है सब इसी से आ रहा है। एंड मैं एक खुली जगह पर बैठा हूँ एंड यहाँ पर इसका वाइड एंगल देखो आप, पूरा जो मेरे पीछे सब आता होगा देख लो आप एक बार घुमा के, इस तरफ से। एंड ये कुछ हमारा सेटअप। तो अभी दूसरी जो चीज़ है कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं, तो मैं इसको वाटरप्रूफ टेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस, अभी मैं मुझे नहीं पता मुझे वाटरप्रूफ टेस्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन चलो मैं अपने रिस्क पर एक बार चेक भी कर लेता हूँ वाटरप्रूफ है या नहीं। तो मैं इसको ऑन करके इस पानी के अंदर छोड़ूंगा और जो फुटेज रहेगा वो आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने कैमरा ऑन हो गया, कैमरा देख सकते हो आप, दिख रहा है। तो इसको मैं पानी में डुबा के तो इसका टेस्ट करता हूँ। इधर लेके आप, ये गया मेरा कैमरा पानी में, अभी कैमरा पानी में डूबा रहा
अभी तक तो ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। वापस एक बार दुबा के देखते रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है। आई होप इसका फुटेज सही आया होगा एंड जो भी फुटेज रहेगा मैं डाल दूंगा आपको। एंड ओके, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो इस कैमरे से आप ब्लॉग भी कर सकते हो। आई मीन आपने देखा इसका आवाज़ जो है वो इनबिल्ड है एंड इसका जो ट्राइपॉड है आप ट्राइपॉड लेके लाइक ऐसे ब्लॉग भी कर सकते हो इससे। तो अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो तो सबसे बेस्ट कैमरा है, मतलब अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर यूट्यूबर होना है, यूट्यूबर हो आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है या फिर कोई भी चीज़ इस कैमरे को लेकर करना है वाटरप्रूफ, किसी भी मतलब वेदर में आपको चलाना है तो ये कैमरा बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन इस कैमरे का एक मतलब ड्रॉबैक है कि इसका माइक अवेलेबल नहीं है, तो जो भी रहेगा आपको इनबिल्ट माइक से इसका आवाज़ इनपुट मिलेगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उतना, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत ही चीप रेट में मिलता है, मैंने इसको लाइक 3200 में ख़रीदा और मैंने नेट पे देखा था, मैंने बहुत सारा नेट पे देखा वीडियोस इसके बारे में, इसका कंपैरिजन वीडियोस देखा है, बहुत कुछ देखने के बाद मैंने इसको डिसीजन लिया इसको परचेस करने का। तो अगर आपको भी परचेस करना है, अगर आपका बजट भी 3-4 हज़ार के आसपास है तो आप इसको परचेस कर सकते हो, इतना महंगा भी कैमरा नहीं है लगा तो ठीक। तो और इसका प्राइसिंग मैंने बता दिया, अगर आपको परचेस करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे, मैंने जैसे ही बताया मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेरीज है आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में भी कर सकते हो, जिस जो मैं कमेंट अच्छे लगेंगे जेन्युइन तो मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।